मैं एटलीस्ट लगभग 11 हूँ, 10 तो खा लेगा। तो कितने खाएगा? मेरा 11-12 तो है ही है। मतलब भाई ये कहेंगे कि दोबारा आए ही नहीं दोनों। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माय ड्रीम फूड में। ये भाई आपका फरीदी है, ओम आ चुके हैं नए ब्लॉग के साथ। सो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल रहने वाला है, कॉज आज हमने अनलिमिटेड आउटलेट फाइंड किया है और ये आपके डिमांड के ऊपर था। बिकॉज हमें बहुत सारे DM आ रहे थे कि अनलिमिटेड आउटलेट पे हमें वीडियो चाहिए, अनलिमिटेड पे चाहिए। गाइस ये जो आज का आउटलेट होने वाला अनलिमिटेड वाला वो रिलेटेड होने वाला है शॉर्मा। तो गाइस चलिए अंकल से बात करते हैं क्या टर्म एंड कंडीशन है। चलिए लेट्स गो। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्मा फैक्ट्री शॉप का नाम रहेगा एंड चलिए इनके ऑनर से बात करते हैं। ले गाइज अब जो शॉप के ऑनर भैया उनसे बात करते हैं। ये हमारी शॉप है। सो हेलो तो भैया आपका नाम उदित बत्रा। तो भैया एक बार आप बताएंगे कि आपको ये आइडिया वगैरह कैसा है। तो बेसिकली भैया अभी हमारी जो शॉप है नहीं है, अभी हमें ओपन हुए 1.5 मंथ्स हो रहा है, 1.5 भी नहीं हुए, 40 डेज हुए हैं। ठीक है, तो ये सोचा कि यार कोई ऑफर निकालते हैं 199-200 रुपये। ऐसे नहीं है कि बहुत कम है, बट इतना है कि बंदा पर पर्सन पे करे खा सकता है। और अगर आप वैसे ले तो 50 रुपीज़ का एक रोल है, 204 होते हैं। तो आई एम ओके गिविंग 5, 6, 7, 8, 10 खा लो। अगर कोई 10 रोल खा के जाता है तो सबसे बड़ा प्रूफ इस बात का है कि भैया हमारा माल तो मतलब टेस्ट तो अच्छा है। ठीक है, उससे कस्टमर रिटेन हो जाएगा कल को, तो बहुत अच्छा रहेगा हमें। और ऐसे मतलब मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है एक तरीके से, क्योंकि तो अगर एक बंदा नॉर्मली हमारे का 4-5 हज़ार नहीं खाता तो भी खा लेते हैं। तो चलिए गाइस अब हमारा ऑर्डर देते हैं भैया को और ये चैलेंज हम दोनों करने वाले हैं। और भैया एक बार आप लोकेशन बता दीजिए कैसे आना है क्या है। हाँ जी, ये साइट 1 विकासपुरी है। बेसिकली अगर आप गूगल पे टाइप करोगे 24/7 विकासपुरी, उसके बिल्कुल बैंक ओपन है और आप आ सकते हो। और भैया ऑपरेशन फ्रेंड 3 PM तो हमारा। और भैया एक चीज़ आप क्लियर कर दें, इनकी क्या टर्म एंड कंडीशन क्या है भैया? आप एक बार टेबल से उठ गए तो उसके बाद दोबारा स्टार्ट नहीं। चले गए जब अंदर चलते दोनों भाई, चैलेंज स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर शॉर्मा की यहाँ पर मेकिंग स्टार्ट हो रही है हमारी अनलिमिटेड चैलेंज की। गाइस फाइनली हमारे यहाँ पर द अनलिमिटेड चैलेंज शॉर्मा आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और अब यहाँ पर हमारा टाइमिंग है, हमने 4:10 के आप स्टार्ट किया और 5:10 पे खत्म कर दिया। तो अभी हमारा फर्स्ट आ चुका है, अब हम 1 घंटे तक अनलिमिटेड खा सकते हैं। और सामने हमारे भैया है। गाइस हमारे सामने भैया है और जैसे जैसे हमारा खत्म होता रहेगा वो वहाँ पर मेकिंग इसके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, रेडियो बनाने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं हम कितने बार भूख रहे। तो गाइस मेरा जो टारगेट रहेगा समथिंग 10 के आसपास, मैं 10 खा सकता हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं 10 खा लूंगा। सेम मेरा भी यही रहेगा 10-11। तो चलिए देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। मैं 11 हूँ, 10 तो खा लेगा। तो कितने खाएगा? मेरा 11-12 तो है ही है। मतलब भाई ये कहेंगे कि दोबारा आए ही नहीं दोनों। बाहर से लोग भी देख रहे हैं भाई, मेरा पहला वाला फिनिश हो चुका है। अंदर आप फीलिंग वगैरह भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। ये नहीं कि अनलिमिटेड है तो कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने अनलिमिटेड कर रखा था, बहुत कम क्वांटिटी दे रहे हैं, क्वालिटी बहुत ख़राब है। क्वालिटी बहुत बढ़िया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो हमारे यहाँ पर दूसरा ऑर्डर आ चुका है, दूसरा प्लेट। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठंड ज़्यादा हो गई है इसीलिए हम नहा के नहीं आए। अगर आपके भी सर मैं नहा के आया हूँ। तो गाइस अभी 2 रोल हुए हमारे, 2 शॉर्मा, उसमें मैं थोड़ा सा फुल हो गया हूँ। थोड़ा सा हैवी है। तो गाइस अभी एक स्प्राइट ऑर्डर करिए ताकि थोड़ा ज़्यादा खा पाए। तो गाइस मैंने यहाँ पर अपने 2 शॉर्मा ख़त्म कर दिए और हमारे यहाँ पर स्प्राइट भी आ चुकी है। तो गाइस बहुत थोड़ा हैवी लग रहा है, मेरे को भी हैवी लग रहा है, इसको भी हैवी लग रहा है और ऐसा लग रहा है पेट
मर रहा है, दर्श आ गया है, दर्श आ गया है, दर्श दर्श तो दर्श, बट एटलीस्ट 7 या 8 खा के दो। आपके कितनी एक्सपेक्टेशन है हमसे डीएम मैसेज करके हमें बताना कमेंट में। तो भाई यहाँ पर ऐसा गया है कि 50 का तो एक स्वर में है, ठीक है, अगर हमने 4 खा लिया तो हमारे पैसे तो बराबर हो बराबर हो गए, बट हम 4 नहीं खाएंगे, एटलीस्ट डबल नॉट 20 एटलीस्ट 7 से 8 तो खाएंगे। चौथे शर्मा तक आते आते फरीद की हालत खराब होने वाली है और मेरी भी लगभग होने वाली है। यहाँ पर इनका टर्म कंडीशन ये है कि आपको उठना नहीं है, अगर आप एक बार बैठे खाने के लिए तो आपको 1 आवर तक बैठे रह के खाना पड़ेगा। बाकी भैया भी थोड़ा सोच रहे हैं कि कौन आ गया हमारे शॉप पे। SPD इमरजेंसी हंगरी मोड। ओ भाई ये अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। गाइस ये मेरा लगभग तीसरा शर्मा खत्म। 3 में भाई बहुत हैवी है, अरे टेस्ट बहुत अच्छा है भाई। यार इस ऊपर से मेरे को थोड़ा कल फीवर भी था, स्टिल इसके बुलाने पे मैं आ गया कि चलना है करना है तो करना है, हमारे लिए नहीं सही आपके लिए सही। बाकी भाई आया कहाँ से, जमुना पार से आया है। उत्तम, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से करो यार, करते भी हो तुम लाइक तो कर दो एटलीस्ट 6 पहले हम 10 थे, फिर 7 हुए, अब 6 हुए, फिर 4 हो गए। एक घंटा है, ये मेरे को लगा रात का खाना भी यही से खा के जाएगा, कल का भी परसों का भी, 2 दिन से कुछ खा के नहीं आया हूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन बताओ तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तीसरा शर्मा कंप्लीट, 3 फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं, सो इट्स 4th चौथा आ चुका है, बाकी हटा दिए। ऐसा ना भाई का चौथा हो जाए तबीयत का। चौथा शर्मा स्टार्ट हो चुका है हमारा, सो इट्स प्रे टाइम भाई। 4 शर्मा खाए बिल्कुल और खाए नहीं, चौथा चौथा चल रहा है और लगभग हालत खराब हो चुकी है। इसके बाद गाइस हम मजे में, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे मतलब ऐसा वसूल हो चुका है, इसके बाद हम मजे में। एज यू कैन सी दैट गाइस, 4:11 पे हमारा चैलेंज स्टार्ट हुआ था एंड नाउ टाइम इज हैपनिंग 4:28, सो अप्रोक्स 18 मिनट यहाँ पे हो चुका है और 18 मिनट में हमने मतलब 4 शर्मा अपने कंप्लीट कर दिए, तो आप कैलकुलेशन लगा ही सकते हैं। भैया आ चुके हैं जो भैया मेकिंग कर रहे हैं शर्मा के, ठीक है। आप थक चुके हो बनाते बनाते या नहीं? नहीं अभी नहीं थके, अभी नहीं थके, लास्ट तक खिलाओगे? कितना बंदे खा लेते हैं मतलब 14-15 खा लेते हैं शर्मा अकेले? और गाइस इस बंदे की 4 में हालत खराब हो गई है, यहाँ पे भैया बता रहे हैं 14-15 लोग खा लेते हैं, ठीक है। जो बंदे 14-15 खाने जाते हैं ना तो 2 दिन से खाना नहीं खाते, एटलीस्ट 2 या 3 दिन से खाना खा के नहीं आते, और मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके आया हूँ और मैं भी अंडे वंडे लेट आया अपने डाइट पूरी करके आई, तो थोड़ी सी फीलिंग निकाल देते किसी को बताना नहीं। भाई यहाँ पर मेरी भी हालत थोड़ी खराब हो चुकी है, फरीद की तो स्टार्टिंग से ही खराब थी, स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं। तो गाइस अभी जस्ट यहाँ पे 25 मिनट हुए और हमने 25 मिनट में हमने पैसे वसूल लिए, 25 मिनट में पैसे वसूल लिए, तो इससे ये पता चलता है हमें दावत में मत बुलाना कभी। और अभी तो खाएंगे वो सारा एक्स्ट्रा होगा ना, वो सारा हमारा एक्स्ट्रा होगा अनलिमिटेड, भैया भी हंस रहे हैं वहाँ पर। तो गाइस अभी एक चैलेंज करने वाले हैं कि कौन इंटरेस्ट वीडियो, हम दोनों में से सबसे पहले कौन, सबसे पहले एक सवार जल्दी कौन खाएगा, ठीक है, आपस में चैलेंज करेंगे। सो कमेंट करके फटाफट बताओ, मैं ही जीतूंगा, वैसे तो मेरे को पूरा भरोसा है। बाकी भाई मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो देखते हैं पहले अभी क्या करें, थोड़ा वीडियो का एंटरटेनमेंट करने के लिए चैलेंज करेंगे आपस में कि एक स्वर में आएगा तो पहले कौन खाएगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अभी दोनों भाई को 5वां स्वर में आ चुका है, तो अब चैलेंज हमारा ये है कि देखते हैं कि पहले भाई अभी रुक जाओ, नो चीटिंग कि दोनों में से पहले जल्दी कौन खाएगा, ठीक है, 3, 2, 1 आराम से खाओ भाई। चैलेंज से पहले हमारे खुद की हालत खराब हो गई,
तो गाइस जिम में आज चेस्ट डे है और सारी डाइट यहीं से जा रहा है। अभी ये शोर रह गया हमारा, इसके बाद हमने एक और डिसाइड करा कि इसके बाद लास्ट में हम एक और लेंगे। नहीं नो वे, लास्ट वाला ले लेंगे और पैक करा। गाइस टाइम बढ़ रहा है तो थोड़ा फोन चला लेता हूं, मेरे से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो भाई इस भाई की स्ट्रैटेजी देखो, ये बंदा बोल रहा है कि एक एक्स्ट्रा मंगाना है लास्ट में और वो खाएंगे आगे पैक कर दो भैया, वेस्ट मत करो इसे, पैक कर दो, ये बोल दे कर दे जो कि कुछ नहीं होने वाला। तो भाई ये मेरा पांचवा है, हालत देख रहे हो, ये मेरा छठा है। क्यूट तो वैसे यार मैं थोड़ा बहुत टाइम भी लगभग दे सकते हैं, ओवर हो चुका है, दो तीन मिनट बचे हैं, शायद हम दो और बनवा सकते हैं। फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस जितना खाए पाँच का, मतलब हमने एक एक एक्स्ट्रा खा लिया, मतलब भाई सौ रुपये का एक्स्ट्रा खा लिया हमने, मतलब आना तो दो दिन भोगे। तो भाई अगर आप आते हो यहाँ पर तो एटलीस्ट खाली पेट आना भाई, मैं तो देखो ब्रेकफास्ट करके आया था, ऊपर से थोड़ी तबीयत भी थी, ये भी अपनी डाइट वाइट लेकर आया था, स्टिल हमने पाँच खा लिए मतलब 100 रुपये का बेनिफिट हम करके जा चुके हैं। तो भाई एक बार यहाँ पे फरीद के हाल पूछते हैं, फरीद तो मैं तो ये कहूँगा कि मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब क्वालिटी वगैरह क्वांटिटी सारा कुछ अच्छा था। सो अब आगे कहाँ ब्लॉग, किस चीज़ पे ब्लॉग चाहिए, कहाँ का ब्लॉग चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता देना। और भाई की डेनिम कह रहा हूँ, जैकेट अच्छी लगी। तो गाइस फाइनली गाइस यहाँ पर चैलेंज हमारा ओवर हो चुका है, और गाइस बहुत मज़ा आया दोनों भाई ने, जैसे आपने देखा कि बहुत मज़े, पांच दोनों भाई ने सारा खाए, एटलीस्ट पांच तो खाए हमने, खाई थी हाँ। और साथ ही में गाइस अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको स्टाफ वगैरह, और ऐसा नहीं है कि गाइस यहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम डाली गई हो या फिर टेस्ट लो क्वालिटी हो या कुछ ऐसा, टेस्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो आपको यहाँ पे मस्ट विजिट करना चाहिए। और हमारे लिए एक सजेशन ये रहेगी आपके लिए कि अगर यहाँ पर आ रहे हो तो खाली पेट आना भाई, एटलीस्ट दिन में कुछ मत खाना तो आना, घर ही रह जाना। हाँ, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बता देना कि अगली वीडियो कहाँ चाहिए, और इस वीडियो का भी रिव्यू कमेंट सेक्शन में दे देना, बाकी मिलते हैं।